ये प्रोजेक्ट है एसेट आर्केडिया का। इनके टोटल 233 प्लॉट्स हैं और ये पूरा विला ही बनेगा इस पे। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लॉट्स भी खरीद सकते हैं, या फिर आप विला बनवा के लेना चाहें तो बिल्डर से पैसे भी ले सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है इन इस जो आपका गेटेड कम्युनिटी बन रही है उसमें। तो इनके हाफ जो प्लॉट्स हैं वो राइट हैंड साइड में है, हाफ वो लेफ्ट हैंड साइड में है। दोनों साइड गेटेड आपका कम्युनिटी जैसा बनेगा और इसमें आपको ये प्रोवाइड कराएंगे जिम, आपका क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्क एरिया। और प्लॉट्स के साइज़ भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, 30-40, 40-40, 50-40, बट इनका 70% सोल्ड आउट है। तो ये आपको उनसे जाके चेक करना पड़ेगा कि आपको जो प्लॉट चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं। साइज़ की मैं बात कर रही हूँ। और अभी हम चलिए पूरा साइट का पूरा आपको विज़िट कराते हैं जो हमने किया, और एक आध इसमें बन रहे थे उसको भी हमने अंदर से जाके देखा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक प्लॉट किसी ने ख़रीदा था और एक बिल्डर को ही इस पर बिल्ड करने को बोला है। तो ये इनका 1500 स्क्वायर फीट में ये पूरा प्लॉट है और ये 3 BHK विला बन रहा है। तो इसका मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। नीचे हॉल है, एक रूम है, किचन और डाइनिंग एरिया है, और फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम, वॉशरूम और एक बालकनी दिया हुआ है। तो वो पूरा आपको इसमें दिखेगा। प्रोजेक्ट की बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आसपास अभी कुछ भी नहीं बना है, पूरा खाली ग्रीनरी है। मोस्टली फार्मर्स यहाँ पे अपना खेती करते हैं। तो और जब भी कुछ बनेगा भी तो भी इतना कुछ क्लोज नहीं बनेगा कि आपको घर से एयर नहीं मिलेगी, पूरा खुला खुला होगा। क्योंकि आपको आगे पीछे गवर्नमेंट्स के नॉर्म के जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एरिया थोड़ा छोड़ना पड़ता है। तो इस घर के भी आगे पीछे आपको थोड़ा थोड़ा बाउंड्री छोड़ना पड़ेगा, बट वो बाउंड्री आपकी होगी, उसके अंदर आप अपना गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये प्लॉट्स जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, बट बिल्डर्स ने परमिशन ले रखा है उनका, क्योंकि जो ओनर हैं वो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया है। तो उनकी परमिशन लेके इस पे इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसे इसमें फ्लावर्स लगा रखे हैं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और इसका लोकेशन मैप भी मैं डाल दूंगी। तो अगर आपको ये साइट विज़िट करनी है तो आप फॉलो करके जा सकते हैं, और मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगी ताकि आपको जाने में कोई दिक्कत ना हो, या फिर अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बात करके भी जा सकते हैं यहाँ पर। ये प्लॉट्स अदर साइड के हैं, इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑलरेडी, और एक ग्रीन कलर का ऑलरेडी बन चुका है इसमें विला, और उसमें लोग रहते भी हैं। ये देखिए सामने ग्रीन कलर का, इसमें लोग रहते भी हैं, और ये भी पूरा खाली है। यहाँ पे दोनों साइड ही आपको पार्क मिलेंगे, जो दोनों साइड इनका बना हुआ है प्लॉट्स, उन दोनों पे ही पार्क मिलेंगे। बट स्विमिंग पूल इनका जो बड़े प्लॉट का एरिया है वहाँ पे बनेगा, और क्लब हाउस भी इनका वहीं बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट इनका वाइट फील्ड का है, इन्होंने वाइट फील्ड में एक प्रोजेक्ट किया है। तो ये उसका वीडियो है जो इन्होंने हमें दिखाया।
तो वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, क्योंकि बनने के बाद ये वाले प्लॉट्स भी ऐसे ही दिखेंगे जैसे कि ये दिख रहा है। ऑलमोस्ट सेम तो नहीं, बट हाँ कुछ इसी हद तक दिखेंगे। तो ये उन्होंने एक हमें आइडिया दिया कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है। बाकी ये इनके पूरा लेआउट है प्लॉट्स का, और ये साइजेस हैं इनके प्लॉट्स के। और जो रेड वाले हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, जो पिंक में है इनका कलर किया हुआ वो सोल्ड आउट है। ये सेकंड प्रोजेक्ट है माना फोलियक का। तो इसके जो प्लॉट्स हैं उसमें ऑलरेडी आप देखिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, और ये पहले जो आपने अभी देखा प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट के पास में ही है। इसमें टोटल 190 प्लॉट्स हैं, और इसमें ऑलमोस्ट मैं कहूँगी सोल्ड आउट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अभी खाली नहीं है, या जो हैं वो रीसेल वाले हैं जो मिल रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लोग रह भी रहे हैं। तो यहाँ का आपको मैं आपको विज़िट कराती हूँ प्लॉट, और एक आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ विला भी दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें भी सेम वही है, आप अपना प्लॉट खरीद करके खुद भी बनवा सकते हैं, आप प्लॉट खरीद के जो सेम बिल्डर है उससे भी बनवा सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसके बहुत ही मिनिमम है, जो अगर विलाज हम नॉर्मली लेने जाते हैं या देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि करोड़ में विला मिलते हैं वो भी इनिशियली स्टार्टिंग प्राइस होता है, बट ये विलाज आपको 60-70 लाख में पड़ जाएंगे अगर आप बनवा के लेते हैं। और अगर आप सिर्फ प्लॉट लेने जाते हैं तो प्लॉट आपको 30 लाख का मिल रहा है, 1200 स्क्वायर फिट। ये माना प्रोजेक्ट में 30 लाख का है 1200 स्क्वायर फिट। और जो वीडियो में देखा था स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट मैंने दिखाया आर्केड का, उसमें आपको पड़ेगा 33 लाख का 1500 स्क्वायर फिट का प्लॉट। तो प्लॉट अगर आप ख़रीद के लेके छोड़ना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर बनवाना चाहें तो आपको 70-75 लाख में आपको प्रॉपर एक अच्छा सा विला बनके तैयार हो जाएगा। और ये प्राइस मैं आपको एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट चार्जेस बता रही हूँ, आपका रजिस्ट्री चार्जेस अलग होगा। और अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है लेने में तो आप बिल्डर से डायरेक्ट बात करके अगर एकदम एंड तक जाना चाहेंगे और ख़रीदना चाहेंगे तो उसमें शायद और भी कंसेशन हो जाए एज़ पर बिल्डर की। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम और भी थोड़ा आपको कम कर देंगे प्राइस, वो आपको बिल्डर से बात करना पड़ेगा। तो मैं आपको सारी डिटेल, नंबर, लोकेशन, मैप सब अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन विला है जो बनवा रहे हैं, और इसका साइज़ जो है प्लॉट का वो काफ़ी बड़ा है। ये देखिए ये हॉल है, और ये हॉल से ही लगा हुआ साइड में किचन है, किचन भी काफ़ी बड़ा बना रखा है। पीछे के साइड में यूटिलिटी एरिया किचन होगा ना, क्योंकि ऊपर देखो ऐसा सब बना है, ऊपर इस तरह से बनवा रखा है शेल्फ वगैरह रखने के लिए सामान। इस विला का प्लॉट एरिया 1900 स्क्वायर फीट के आसपास होगा, एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये 5 BHK बन रहा है। तो यहाँ पे 2 कमरे नीचे हैं, एक वॉशरूम, हॉल, किचन, और फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा 3 रूम मिलेगा, 2 बालकनीज मिलेगी, एक तो काफ़ी बड़ी है ब्यूटीफुल सी, और एक मास्टर बेडरूम विद मास्टर वॉशरूम के साथ में। एक वॉशरूम है जो कि काफ़ी बड़ा है, एक रूम जैसे ही आप इसे कह सकते हैं, और ये मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है। और इसकी बालकनी मैंने आपको दिखाया, ये काफ़ी बड़ी सी बालकनी है सामने। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे प्लॉट्स पे सुंदर सुंदर विलास बन रहे हैं। तो अब मैं आपको अपना नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट दिखाती हूँ जो हमने विज़िट किया था। ये जो विलास बने हैं ये कह सकते हैं एक छोटी फैमिली और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट विला होंगे, क्योंकि ये 2 BHK विलास हैं। और इसकी प्राइस की अगर बात करूँ मैं तो ये 39.5 टोटल आप 40 कह लीजिए, 40 लाख का विला है ये, और ये 2 BHK बने हुए हैं। तो
इसमें आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको डायरेक्ट बिल्डर विला बना के दे रहे हैं। ये इनका एक अंडर कंस्ट्रक्शन विला है, ये हॉल एरिया है, इसी लगा किचन है और राइट में ये पार्किंग एरिया है। तो आप जब ये बन रहा हो उस टाइम पे अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ कराना हो रूम के साइज़ या कुछ ऊपर नीचे, तो आप करवा सकते हैं बनते हुए। और इन सभी प्रोजेक्ट्स का एक बेस्ट पार्ट है कि इस पर SBI लोन प्रोवाइड करा रहा है। SBI किसी भी प्रॉपर्टी पे ऐसे लोन प्रोवाइड नहीं कराता है बैंक, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो जेन्युइन कितनी है ये सब पूरा चेक करके तभी कोई बैंक देता है, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स। तो ये प्रॉपर्टी जेन्युइन है इसका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि SBI इस पर लोन दे रहा है 80-90%। और आपका सिविल स्कोर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके लोन की एलिजिबिलिटी की, आपको 80-90% मिलेगा या 70% मिलेगा, बट इस पे SBI लोन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक सैंपल विला है जो इनका अंदर से पूरा रेडी है, प्रॉपर बना हुआ है, दिखाने के लिए ही बनाया है। तो ये अब हमने जाके देखा, तो इसमें इस तरह से ये गार्डन बना के देंगे। ये ओरिजिनल ग्रास है जो उन्होंने लगाई है और ये बालकनी एरिया है। और प्लॉट एरिया की बात करें तो ये 1000 square feet से थोड़ा सा कम है, ये 1000 में नहीं है, इसीलिए ये 2 BHK है। और जब भी प्लॉट्स या फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी हम खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में जो हम पूछते हैं, जानना चाहते हैं, चेक करते हैं, ऐसे ही हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो उन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए जितने क्वेश्चंस मुझे पता थे या जानने थे इंक्वायर किया हमने, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं इन प्रॉपर्टीज़ को देखने या जानने में, तो इनकी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से चेकआउट करके इनसे कॉन्टैक्ट करके आप साइट विज़िट कर सकते हैं या इनसे ओवर द कॉल बात कर सकते हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी अभी तक देखे हैं आपने, ये सब आउटर बैंगलोर में बने हुए हैं, टूवर्ड्स तमिलनाडु कह सकते हैं। और जितने भी ये विलास वगैरह बनते हैं ये कभी भी आपको मेन सिटी में जनरली नहीं मिलेंगे। जो मेन सिटी में ऑलरेडी बने हैं वो बहुत महंगे होंगे, आपके बजट में नहीं आएंगे, इसीलिए ये सब बजट विलास आप कह सकते हैं, लग्जरी बजट विलास जो आपके बजट में भी हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के, और थोड़ा आउटर में भी हैं। Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being too much. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second. इनके टोटल 103 विलास बनेंगे इस प्लॉट पे और सभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और प्राइस की बात करें तो आप इसमें ऑफकोर्स नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर आप बहुत कीन हैं, इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने के लिए, तो ये 40 से भी थोड़ा कम जा सकते हैं। और अगेन गवर्नमेंट के चार्जेस अलग होंगे जो रजिस्ट्री के होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में भी इन्होंने ओपन एरिया दे रखा है, गार्डन एरिया दे रखा है, प्ले एरिया दे रखा है। तो ये अभी सिर्फ थोड़ा सा बना हुआ है, आगे मेन एंट्रेंस पे मैं आपको दिखाती हूँ वो एरिया छोड़ा हुआ है। ये मेन एंट्रेंस के पूरा राइट में जो एरिया है, यहाँ पे इनका स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और बच्चों का प्ले एरिया ये सब बनना अभी बाकी है। ये एरिया अभी इन्होंने छोड़ रखा है, आगे जाके जब जैसे जैसे फैमिलीज आती जाएंगी, ज़्यादा लोग आते जाएंगे, तो ये उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको थोड़ा टूवर्ड्स आउटर में ही मिलेंगे, क्योंकि इतने सस्ते दाम में आपको मेन सिटी या थोड़ा सा और ज़्यादा मेन एरियाज में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो एरिया बस चुका होता है। तो ये जो इतने भी प्लॉट्स आपने देखे हैं, प्रोजेक्ट्स देखे हैं, ये आपको विद इन 80 lakhs में आपको बन के घर मिल जाएगा, या आप प्लॉट लेके छोड़ सकते हैं। और ये सस्ते इसलिए भी हैं क्योंकि आउटर में है जैसा कि मैंने बोला, बट ये सब जेन्युइन है क्योंकि इस पे SBI लोन प्रोवाइड कर रहा है आपको।